तो गाइज आज बात करता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कि जो हमारा जो वर्कआउट का सेशन है वो कितना लंबा होना चाहिए। देखो 15 साल हो चले मुझे वर्कआउट करते हुए, बट आदमी जो है वो सीखता है, डेली सीखता है कुछ ना कुछ। और पास्ट 2 महीने से मैंने सीखा है कि एज ए नेचुरल एथलीट, मैं स्टूडेंट वालों की बात नहीं कर रहा, मैं जो कंपटीशन कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल जो भाई जो फिटनेस को पे मेंटेन करना चाह रहा है उसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ। मैं पहले जो वर्कआउट था वो दो दो तीन तीन घंटे लगाता था, और ऑलमोस्ट अगले दिन मेरी हालत ऐसे होती थी जैसे मतलब जान ही नहीं है मेरी बॉडी में। तो अब लगाता तब भी फुल बॉडी था, और मैं तब एक एक रेस्ट भी लेता था, उसके बावजूद भी अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट कर लेता था कि नेक्स्ट डे तो हालत ही ख़राब हो जाती, क्योंकि नेचुरल गाय उसको रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, और ऊपर से आई एम अबाउट टू टच 40, तो एज फैक्ट भी पड़ता है इसमें। तो अब मैं जो है डेली 7 के 7 दिन जो है पिछले 3 महीने से लगातार, एक भी छुट्टी नहीं हुई, 7 के 7 दिन जो है मैं फुल बॉडी लगा रहा हूँ रोज़। बट उसमें चेंजेस क्या किए हैं मैंने, चेंजेस ये किए हैं कि मैं हर एक बॉडी पार्ट को लगाता हूँ, जैसे 6 बॉडी पार्ट है हमारे, उनके तीन तीन सेट किए कवर, और उनको एक सेट से अगले सेट में मैं सिर्फ 20 से 30 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ। हाई इंटेंसिटी की तरह उसको कर रहा हूँ मैं अपने वर्कआउट को, और 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना जो है फुल बॉडी कंप्लीट कर लेता हूँ। और इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ, एक तो मुझे थकान नहीं है बिल्कुल भी, उल्टा मैं जो सुबह जब उठते हैं पहले मैं लथार्जिक फील करता था, अब कि जब मैं उठता हूँ तो सुबह काफ़ी एनर्जेटिक होता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं उस लेवल पे अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे रहा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप नेचुरल एथलीट हो तो मेक श्योर आपका वर्कआउट शॉर्ट और इंटेंस हो, ना कि लॉन्ग जैसे कोई मैराथन कर रहा है, अगर अनलेस आप स्टीरॉयड नहीं हो, अगर आप स्टीरॉयड यूज़ करते हैं तो होपफुली आपको क्लियर हो गया हो कि हमें जो वर्कआउट है अपना अंडर 1 आवर के अंदर अंदर कम्प्लीट करना चाहिए एज ए नेचुरल एथलीट। तो आपकी जो भी वो दिक्कत होती है ना कि हमें थकावट रहती है वर्कआउट के बाद, सारा दिन कुछ करने को मन नहीं करता, वो इस वजह से क्योंकि आप अपने शरीर को जो है ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं। होप इट हेल्प्स।